पहाड़ों में जैसे आओ ना कुछ नया दिखता है। शादी मेरे से पहले हुई थी, 4-5 साल पहले। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा। वेलकम। ये देखो भाई, आजकल पहाड़ों में इतने ज्यादा बुरांस हो रहे हैं, हर जगह पूरा जंगल लाल लाल दिख रहा है। रास्ता अभी ब्लॉक हो चुका है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर रास्ता खुलने तक, यानी कि। तो एक खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। तो हम लोग कल आ गए थे हल्द्वानी, और आज मॉर्निंग मॉर्निंग में उठी हूँ, और जैसी उठी ना वैसी धूप निकल गई है बढ़िया करके, और मौसम भी एकदम बढ़िया हो रहा है। तो आज मेरा प्लान है कि मैं जाऊंगी घर को, क्योंकि मेरे को ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम नमस्कार। पहला, उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल ना हम ठंडे ठंडे में, मतलब 3 घंटे की राइड को मैंने 2.5 घंटे में पूरा करके पहुंच गए थे। मतलब ऐसे ठंडा वगैरह होने के बाद मेरी थोड़ा सा आवाज़ ना जैसी हो रही है। तो चलिए फिर, सबसे पहले मैं रेडी करूंगी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनको जाना है स्कूल। तो फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू मिलती हूँ, तो बने रहिए। तब तक आपको सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है ना, वो हो रही है 11 बजे से, और मैं हल्द्वानी से पहुंच गई थी। और जैसे ही सुबह उठी, तो वैसी सूर्य दर्शन के साथ हल्द्वानी में मैंने अपना काम वाम किया, और फिर मुझे आज ऑफिस ज्वाइन करना था, तो इसलिए मैं आ गई। तो फिर से आज की जो शुरुआत हो रही है, वो हो रही है अपने पहाड़ों से। तो फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। तो चलते हैं अपनी दिनचर्या के साथ, और आज मैं गाड़ी लेके आई हूँ बहुत ऊपर, मतलब ऐसे जो ये नीचे सीसी दिख रहा है ना, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो मैंने सोचा कि ऊपर ही डाल देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग स्कूटी वगैरह लेके आए हैं। तो दिखाती हूँ आपको पहाड़ों का नज़ारा, और पीछे आड़ू में आजकल जो फूल आ रहे हैं ना, वो तो आजकल काफ़ी सुंदर ही लग रहे हैं। और बाकी ऊपर को यहाँ पे सेब का बगीचा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में जैसे आओ ना कुछ नया दिखता है। तो पहाड़ में ऐसी जगह तक ना बाइक और स्कूटी वगैरह आ रखी है, मैं तो वहाँ खड़ी करके आई हूँ, और जस्ट ऐसे खड़ी वाली चढ़ाई पे। और ऊपर है हिमाचल का जो हाई डेंसिटी एप्पल है, वो लगा हुआ है, साथ में मटर की खेती हो रही है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर सारे देखो ऐसे खड़े, मतलब पूरा खेत बना के उस पर हो रहे सेव लगा रखे हैं। तो मुझे जाना है इस वाले रास्ते पे, तो चलते हैं। तो आज आए हैं हम पड़बड़ा गांव में, और यहाँ पे हम मेरी दोस्त मिल गई खीमा, और हम कितने साल बाद मिल रहे हैं, 17-18 सालों, मतलब कम से कम 18-19 साल तो शादी को हो गए हैं। हाँ। और इसकी शादी मेरे से पहले हुई थी 4-5 साल पहले, और ऐसी हो गई अभी इतने साल बाद, और मैं भी ऐसी, मतलब बुढ़े हो गए हम। और यहाँ पे मीटिंग थी, हमने चाय वगैरह भी साथ पी, और बहुत अच्छा लगा। हाँ। है ना। हाँ। अब आते रहेंगे, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, सही था सर। और इन लोगों के घर में हम हमेशा आते हैं, और इतनी खातिरदारी करते हैं ना, चाय पानी खाना सब बिल्कुल हमेशा। बहुत अच्छी, ये मेरी दोनों दोनों देवरानी है। हाँ, वही तो, ये ललिता दी है, और वो उनकी देवरानी है अनीता, है ना। अनीता ने 2 बार तो चाय बना दी, तो कितना प्यार मिलता है गाँव में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगा। वेलकम। ब्लॉग देखना, अपनी वीडियो देखना। हाँ। तो आज धूप के साथ ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और इस तरफ है आलू के खेत, वहाँ से लेके ऊपर तक आलू ही आलू, पहाड़ों के सीढ़ी नुमा खेत दिख रहे हैं अभी। और आज है हल्के हल्के बादल। तो आज गए हैं हम पड़बड़ा की तरफ, तो यहाँ पे नई सड़क बन रही है, मतलब पुरानी जो ऑफ रोडिंग थी ना, उस पर थोड़ा डामर वगैरह कलमट बन रहे हैं, साथ में दीवार। तो हमारा रास्ता अभी ब्लॉक हो चुका है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर रास्ता खुलने तक, यानी कि जब रोड साफ हो जाएगी तो तभी जा पाएंगे। ये देखो भाई, आजकल पहाड़ों में इतने ज्यादा बुरांस हो रहे हैं, हर जगह पूरा जंगल लाल लाल दिख रहा है।
तो आज घर आते आते इतनी शाम हो गई, मतलब शाम ही हो रही है, लेकिन आजकल हमारे घर के आसपास का माहौल ना इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि आड़ू में पिंक कलर के फूल और प्लम में आ रखे हैं वाइट कलर के फूल, तो देख के काफ़ी सुंदर से नज़ारे हो रखे हैं। तो चलिए फिर आज का इस छोटे से व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।